पी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार रुख करवा देते हैं। उस अभियान में बिना भेदभाव के प्रत्येक जरूरतमंद के पास हम फूड पैकेट पहुंचा सके, इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका कम्युनिटी किचन की होगी और जरूरतमंद तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि कंट्रोल रूम पूरी जवाबदेही के साथ 24 घंटे चलते हुए दिखाई दें, एक एक सूचना को सही लोगों तक पहुंचाना और उस समस्या का समाधान करना, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस दिशा से आज इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपद जुड़े हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत कम समय में प्रदेश के अंदर वीडियो कॉल के साथ हमारे सभी 75 के 75 जनपद जुड़ चुके हैं। इससे कार्य में एक तो गति मिलेगी, दूसरा प्रदेश के अंदर न केवल कोरोना वायरस की आपदा से अपितु किसी भी अन्य प्रकार की आपदा के समय में राहत कार्यों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हम सबको हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहना होगा। हम लोग इस बात को मानते रहे हैं कि 21 दिन का ये लॉकडाउन का की कार्रवाई एक बहुत अच्छे परिणाम के साथ उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से और सुरक्षित भविष्य की दृष्टि से एक सफलता अभियान है और इसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर तबलीगी जमात के कारण जिस प्रकार से केसेस बढ़े हैं, उनके कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए लोगों की स्थिति को देखते हुए हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए भी भविष्य के लिए तैयार रहना होगा और इस दिशा से हमारा एक कंट्रोल रूम बहुत बड़ी भूमिका, प्रत्येक नागरिक तक भोजन है, राहत है, दवा है या किसी भी प्रकार की अन्य सहायता की दिशा से एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। ये पूरे राहत कार्यों की बैकबोन है कंट्रोल रूम और इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारीगण अपने अपने जनपद के कंट्रोल रूम के लिए एक जिम्मेदार नोडल अधिकारी की नियुक्त करते हुए 24 घंटे इसकी निगरानी को करते हुए त्वरित गति से इन सभी कार्यक्रमों को, राहत के कार्यों को, क्वारंटाइन वार्ड को, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को, आइसोलेशन वार्ड को, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोविड हॉस्पिटल के बारे में या फिर फूड पैकेट को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दिशा से इस कंट्रोल रूम को बेहतर तरीके से उपयोग करने में सफल होंगे। मैं राजस्व विभाग को, अपर मुख्य सचिव राजस्व को, राहत आयुक्त को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत कम समय में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक वीडियो कॉल के साथ पूरे प्रदेश के 75 जनपदों को जोड़ने का कार्य इस कंट्रोल रूम के माध्यम से किया है और मुझे विश्वास है कि इससे हम पूरे प्रदेश के अंदर राहत कार्यों को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और जैसे अभी लॉकडाउन के बाद से उत्तर प्रदेश हर एक कार्य में बहुत अच्छी भूमिका के साथ देश के अंदर है, इसके माध्यम से भी हमें और अच्छी दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और अच्छे परिणाम हम लाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको इस कंट्रोल रूम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के इस कंट्रोल रूम के साथ साथ अपने अपने जनपदों के कंट्रोल रूम को भी बेहतर बना करके राहत कार्यों के साथ अन्य सभी सेवाओं को और बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर, ठीक, बंद कर।